टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोंकण के रत्नागिरी जिले के दाबोली गांव में एक 6 साल की मासूम बच्ची की लाश खाड़ी में तैरते हुए मिली। बच्ची की लाश जैसे ही खाड़ी में मिली, इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम बच्ची का नाम नुसेबा हनीफ सही बोले है। जानकारी के मुताबिक नुसेबा अपने भाई मोहम्मद सही बोले के साथ साइकिल से मोहल्ले में घूम रही थी, खेल रही थी। लेकिन थोड़ी देर घूमने के बाद नुसेबा का भाई मोहम्मद साइकिल रखने घर पर चला आया और जब वापस लौटा तो जहां नुसेबा को वो छोड़ कर गया था वो वहां नहीं मिली। यानी कि 12 मार्च को ही नुसेबा गायब हो गई। परिवार के लोगों ने काफ़ी खोजबीन की और पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत की, सोशल मीडिया में भी इसकी फ़ोटो वायरल की गई, मगर उसके बावजूद नुसेबा का कुछ पता नहीं चला और आखिरकार उसकी लाश खाड़ी से 14 मार्च को बरामद की। ऐसे में सवाल उठता है कि नुसेबा खाड़ी तक कैसे पहुंची, कैसे उसकी मौत हुई, क्या किसी ने नुसेबा को मारकर खाड़ी में फेंका है, उसके साथ क्या हुआ। ये तमाम चीज़ें नुसेबा की मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 6 साल की मासूम की मौत कैसे हुई, इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में ही सच सामने आएगा कि आखिर मासूम के साथ क्या हुआ था, कैसे वो खाड़ी तक पहुंची और क्या उसकी हत्या हुई है। ये सच पुलिस जांच में ही सामने आएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।